आज हम देखेंगे कि पोल जीरो प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। पोल्स एंड जीरो प्लॉट, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, एच ऑफ एस इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस 1/2 एंड एस प्लस 3/4। तो ये एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम जीरो और पोल फाइंड करेंगे। तो ये जीरो पार्ट है और ये पोल है। तो जीरो जो है, ये वाला पार्ट, वो हो जाएगा एस इक्वल टू जीरो, और इस पार्ट को हम कहेंगे पोल्स। तो पोल्स होंगे एस इक्वल टू 1/2 इसके लिए, एंड एस इक्वल टू माइनस 3/4। मीन्स तीन चीज़ें मिली, जीरो, 1/2 एंड माइनस 3/4। जीरो जीरो है, पोल 1/2 एंड माइनस 3/4। उसके बाद में जीरो और पोल प्लॉट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट होगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जीरो को हम सर्कल से डिनोट करेंगे, जीरो भी कह सकते हो, और पोल्स को हम क्रॉस मार्क से हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 -1, 1 -1। तो अब जीरो देखेंगे। तो जीरो जो है वो जीरो है, तो ओरिजिन मीन्स यहाँ पे हम जीरो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है 1/2, और ये रियल पार्ट है। तो ये वन है, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा, ये हो गया पोल। और दूसरा है एस इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो 3/4 ये जो होगा वो यहाँ तक आएगा। तो ऐसे हमको पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना है। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेंगे। एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1, एस प्लस 2, उसके बाद में एस प्लस 4, एस प्लस 5, और एस प्लस 8। तो जीरो जो है वो कितना होगा, जीरो इज इक्वल टू -1 एंड -2, ये जीरो हो गया। और पोल जो होंगे वो हो गए -4, -5 एंड -8। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसकी। यहाँ पे रियल पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले हम जीरो को लेंगे। जीरो है -1 -2, यहाँ पे हम लेंगे ये -1, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड यहाँ पे होगा -8। -1 -2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक कंसिडर कर लेते हैं हम। तो जीरो जो है -1 और -2 पे है, तो यहाँ पे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। उसके बाद में पोल से -4 यहाँ पे डिनोट करेंगे, -5 और -8। तो ये हो गया और एक कंडीशन में सॉल्व। उसके बाद में और एक कंडीशन लेंगे, एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस -2 डिवाइडेड बाय एस -1/2
माइनस 1/2 आई, तो जीरो जो है वो 2 होगा और पोल जो है 1/2 प्लस 1/2 आई। अब यहाँ पे हम देखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। अब z इक्वल टू 2 0 2 है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये 2 है। उसके बाद में p जो है वो 1/2 प्लस 1/2 i है, तो 1/2 यहाँ पे जब हम देखेंगे तो रियल पार्ट का 1/2 यहाँ पे आएगा और इमेजिनरी पार्ट का 1/2 यहाँ पे आएगा। तो हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे, ये हाफ होगा और ये हाफ, रियल पार्ट हाफ एंड इमेजरी पार्ट हाफ, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे। तो ऐसे पॉजिटिव जीरो प्लॉट हम ड्रॉ कर सकते हैं।